तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ ये हमारा एमएमसी के ऊपर आगे का टॉपिक है। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि यो फाइव बॉक्स को कैसे चलाया जाता है, उसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है। यो फाइव बॉक्स उठाइए जरा सर। यो फाइव बॉक्स को चलाया कैसे जाता है और इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका तरीका हम लोग आपको एक एक करके सिखा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि हमारे पास कैसे कोई भी मोबाइल फोन आएगा, जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को हम लोग बोर्ड को कैसे मोबाइल फोन के अंदर आईसी को निकालेंगे, आईसी निकालने के बाद उस यूएफआई में आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से इस मोबाइल फोन को लॉक खोला जाता है, या कैसे इस मोबाइल फोन का डाटा निकाला जाता है, कैसे इस मोबाइल फोन को फ्लैश किया जाएगा, या इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम है, या फ्लैश करते समय डेड हो गया है, या इस तरीके से ऐसी बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम आती है, तो उनको कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका हम आपको समझाने वाले हैं। तो यूफाई को चलाने का तरीका तो मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था, लेकिन आज उसका एक एक करके मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल देने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले चीज होता है कि आपके पास कोई बोर्ड आएगा, मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएमसी आईसी। तो सर सभी लोगों को दिखाइए जरा, अगर यहाँ पर देखेंगे ये तुम्हारा सीपीयू लगा है क्वालकॉम और ये तुम्हारी एमएमसी आईसी लगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्काइनेक्स, ये एमएमसी आईसी लगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बार इस आईसी को उतारेंगे, इस आईसी को उतारने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने के बाद यूएफआई के बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, इससे एक बात और होती है, यूएफआई के माध्यम से आपका आईसी ये भी चेक हो जाता है कि आपका आईसी सही है कि नहीं सही है, उस आईसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या बग्स हैं, ये सारी चीजें उसमें से चेक हो जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप और रिपेयरिंग ऐसे टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। तो चलिए टॉपिक में हम चलते हैं अपने वीडियो पे और आगे करके समझते हैं। आज का दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, आप वीडियो को प्रॉपर देखें। आपको आज आईसी रिबॉलिंग के बारे में, आईसी को बोर्ड में कैसे निकाला जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सब चीजों के बारे में बड़ा अच्छा आपको जानकारी मिलेगा। और जो ऐसे पर्सन है जो रिबॉलिंग कर रहे हैं, अगर आईसी उनसे बन नहीं पा रही है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही, तो बहुत उनको वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलने वाली है। और आज ये भी देख जाएंगे कि मोबाइल फोन में आईसी निकालना, आईसी को लगाना, आईसी को रिवॉल्व करना, बॉल करना कितना आसान है, मैं आपको आज आप सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, इस आईसी को जब आप उतारेंगे तो आईसी उतारने के लिए आप पेस्ट का पहले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, आईसी के चारों तरफ आप पेस्ट को अच्छे से लगा देंगे। पेस्ट लगाने के बाद फिर आप आईसी को रिमूव करेंगे। समय आपका टेम्परेचर 380 होना चाहिए, 4 से 5 के बीच में एयर होनी चाहिए, मशीन को पहले प्रॉपर तरीके से हीट हो जाने दें। इसको पहले अच्छे से आप हीट कर लेंगे। डिस्प्ले में सर बच्चों को दिखाइए अच्छे से, ताकि सभी को अच्छे से दिखाई दे। आप आईसी को कभी भी खींचेंगे नहीं, देखिए आईसी ढीला हो गया, जैसे ढीला हो जाएगा बोर्ड से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे जब आईसी की जितनी सारी बोल्स हैं, सारी बोलों को निकाल लेंगे, तो वहां पर आप खींचेंगे नहीं, देखेंगे इसका एक भी पॉइंट उखड़ा नहीं होना चाहिए, एक भी प्रिंट डैमेज नहीं होना चाहिए, एक भी प्रिंट आपस में मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आईसी को उतार लेंगे। अब देखिए ये हमारे बोर्ड के अंदर की एमएमसी आईसी है, देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, देखिए अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले इसको क्लीन करेंगे, पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से। पेस्ट लगाने के बाद इसको हम लोग साफ करेंगे। साफ करने के लिए आप हमारी जो आयरन होती है, सोल्डिंग आयरन के माध्यम से हम लोग इसको क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे।
ऐसे इसके ऊपर जो भी शोल्डर लगा हुआ रांगा लगा हुआ जो एक्स्ट्रा रांगा उसको हम लोग पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। सारी बॉलें हमारी साफ होनी चाहिए। अगर कोई भी बॉल प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होगी तो सही से वो रिबॉल नहीं होगी। अब जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉल जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं साफ है, ये दिख रही है स्क्रीन पे, दिखाइए सर सभी लोगों को। ये बॉल जब प्रॉपर इस बॉल को प्रॉपर तरीके से साफ करेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हल्का सा क्या करेंगे हम लोग पहले पीपीडी लगाएंगे। पीपीडी लगाने के बाद पीपीडी लगा देंगे, पीपीडी लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें आयरन से सोल्ड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जितनी सारी बॉलें हैं सारी बॉलों को हम लोग क्या करेंगे साफ कर लेंगे, मतलब जिसमें पेस्ट लगा हुआ इसको क्या करेंगे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सारी बॉलों को साफ कर लिया है, इसमें कार्बन वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सारी बॉलें क्लीन हो जानी चाहिए। जब ये सारी बॉलें क्लीन हो जाएंगी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा इन जितनी भी सारी बॉलें हैं सारी बॉलों को हमको स्टेंसिल में क्या करना पड़ेगा सेट करना पड़ेगा करना है। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इसके लिए हमको पीपीडी चाहिए। ये हम लोग पीपीडी लेंगे। पीपीडी जो होता है ये पीपीडी वैसे थोड़ा सा गीला होता है, आप इसको पहले ड्राई कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ड्राई करने से ये रहेगा कि ज़्यादा पीपीडी कहीं भी एक्स्ट्रा पीपीडी नहीं लगेगा, जितना आप जो बॉलों में भरेंगे उतना ही पीपीडी लगेगा। ड्राई करने के बाद फिर हमको चाहिए डॉक्टर टेप। हम लोग इसको क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे स्टेंसिल के अंदर। सेट करने के बाद फिर आप पीपीडी लेंगे, क्या करेंगे पीपीडी क्या करेंगे इसकी जितनी सारी पिन है सारी पिनों में पीपीडी को अच्छे से भर देंगे। पीपीडी लगाने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जितनी सारी बॉलें हैं सारी बॉलों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, कहीं भी पीपीडी एक्स्ट्रा रखना नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा पीपीडी होगा तो वो दिक्कत करेगा। अच्छे से साफ कर लेना है। अच्छे से साफ करने के बाद अब आपको इसको चिमटी के माध्यम से बैंड ट्वीजर के माध्यम से इसको बीच में से दबा लेना है और हॉटगन से क्या करना है हीट करना है। यहाँ पर देखें बिल्कुल सारी बॉलों पर प्रॉपर तरीके से पीपीडी लगा होना चाहिए। अगर कोई भी बॉल पर पीपीडी किसी कारणवश नहीं लग पाएगा तो हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। इस समय पर हॉटगन का जो एयर रखेंगे वो हम लोग क्या रखेंगे 360 70 तक एयर को हम लोग रखेंगे।
हीटिंग को रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैंड ट्वीजर से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रेस कर लेंगे। देखिए सारी बॉलें इसकी रिवॉल्व हो रही हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, MMCIC को रिवॉल्व कर लिया है। अब रिवॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे एडेप्टर आते हैं, एडेप्टर के अंदर ऐसा साइज दिया होता है। क्या दिया होता है दोस्तों, साइज होता है। इस साइज के अंदर हमको क्या करना होता है, MMC को रखना है। MMC रखने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे बंद करना है। ये हमारे MMC सेट हो गए। सेट होने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे एडाप्टर में लगा देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बार सिस्टम कनेक्ट करेंगे। ऐसे यो फाइल लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो MMC टूल है इसे ओपन करेंगे। जैसे MMC टूल ओपन करेंगे तो हमारी स्क्रीन में टूल हमारा ओपन हो जाएगा। जब आपकी स्क्रीन में टूल ओपन हो जाएगा तो टूल ओपन होने के बाद जैसे अपडेट करने को बोल रहा है तो उसको अपडेट नहीं करेंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट MMC पे टिक लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करते ही वो MMCIC हमारी क्या होगी, कनेक्ट होगी। MMCIC कनेक्ट होने के बाद ओपन होगी, नहीं ओपन हुई हम लोग इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे। दोबारा कनेक्ट करने का मतलब होता है आप इसको एडाप्टर को निकालिए, इसको निकाल करके साफ करके फिर से दोबारा लगाइए। हो सकता है सही से ना लगी हो, ड्राई सोल्ड हो, ऐसा कुछ हो, इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। ये रीडर है। उसके बाद फिर हम लोग आइडेंटिफाई दोबारा करेंगे। दोबारा आइडेंटिफाई करने पर जैसे मान लिया कोई भी MMCIC को रीड नहीं करता, तो रीड ना करने का मतलब है कि वो आईसी को ले नहीं रहा है। फिर से हम लोग आईसी लेंगे। देखो तो डिटेल आ गई, फिर से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बार यो फाइव बॉक्स आप क्लोज करेंगे, MMC को इस एडेप्टर में लगाएंगे। एडेप्टर लगाने के बाद इसको बॉक्स में लगा देंगे। फिर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ओके क्लोज। डायरेक्ट MMC पे हम लोग यहाँ पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने पर जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। देखिए यहाँ पर जब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी तो इंफॉर्मेशन खुलने के बाद आप इसके सारी चीजों को आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके पूरा समझा देता हूं। देखो यहां पर बिट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, इसका बूट इनेबल है कि इनेबल है ये आपको चेक करना है।
इसके पार्टीशन दिखाई देंगे, पार्टीशन में कोई रेड कलर से कोई मार्क नहीं आना चाहिए। अगर रेड कलर से कोई मार्क आता तो मतलब पार्टीशन कोई मिसिंग हो गया है, करप्ट हो गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका ओएस दिखाई देता है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर ये हमारी जी अब 1/220 KB की MMC लगी हुई है, ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। तो सारी डिटेल आने का मतलब होता है हमारे यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोई भी आईसी है उस आईसी को कनेक्ट करेंगे। आईसी को कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके द्वारा मोबाइल फोन में प्रॉब्लम कैसे ठीक करने वाले हैं, पहली बात ये। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फोन में पहला काम तो आपको क्या करना है, आईसी को निकालना है। आईसी को निकालने के बाद उसको रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के बाद उसको सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई करना है। जब आइडेंटिफाई करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन खुल करके आती है। फिर आप उसके बाद यहाँ पर कोई भी अनलॉकिंग करनी है तो अनलॉकिंग करने के लिए यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। यूजर एरिया पार्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो ये आपके जो पार्टीशन दिखाई देते हैं, पार्टीशन का मतलब होता है जितने भी सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो सारा सॉफ्टवेयर सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप MMC IC को उतारेंगे, उतारने के बाद उसको आप रिवॉल्व कैसे करेंगे, और रिवॉल्व करने के बाद उसके अंदर का जो डाटा है और उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तरीका मैंने आपको दोस्तों पहले बताया है। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो मोबाइल फोन में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको MMC को उतारना है। उतारने के बाद उसको स्टेंसिल पेस्ट PPT के माध्यम से उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व करना है। अगर MMC प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व नहीं होगी, उसकी पिनें सही से नहीं कनेक्ट होंगी, तो MMC बोर्ड से कनेक्ट नहीं होगी और आपका जो UEFI बॉक्स है उस सॉफ्टवेयर को रीड नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर सारा इन्फॉर्मेशन लिख करके आता है तो सॉफ्टवेयर लिख करके आने का मतलब ये है कि आपका MMC IC कनेक्ट हो गई है और आपको सॉफ्टवेयर आ गया है। अब हम लोग आगे की वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कैसे इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर पाएंगे, कैसे इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, कैसे हम लोग इसका डाटा निकाल पाएंगे, जितने भी सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है फ्लैशिंग करना, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक करके सारा वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। और आज की दोस्तों में मैंने वीडियो के टॉपिक में आपको बताया कि MMC IC को रिवॉल्व करके UEFI बॉक्स से कनेक्ट कैसे किया जाता है और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करते ही पूरा डिटेल आ जाता है, ब्रांड लाइफ कंपनी का है, F220, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, हाइनेक्स कंपनी है, इसलिए 4 GB का MMC है, BG153, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों खुल गई है। तो आज की वीडियो में मैंने इसको कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया है और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो भी सारी वीडियो में मैंने आपको बताई है सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। कोई चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार करके देखिए। और जो अगर आपको ये वीडियो मिली है तो इससे पहले मैंने और भी बहुत सारी वीडियो हैं मैंने आपको डाल रखी हैं, ताकि आप वीडियो को देखें, इससे संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो, जैसे UEFI को इंस्टॉल करना, UEFI कैसे काम करता है, MMC IC क्या है और MMC IC के बारे में इन्फॉर्मेशन, MMC IC कौन कौन सी कंपनी के MMC IC आती हैं, इन सब चीज़ों से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं वो मैंने इससे पहले के पार्ट में मैंने डाल रखा है। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आप टेंशन मत लें, आप इससे पहले का भी जो वीडियो है उस वीडियो को भी अच्छे से वॉच करें, ताकि आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छे समझ में आ सके और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में सीख सके। हमारा यही मानना है कि आप जो भी सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं आप इनको अच्छे से नोट करिए, इसका टॉपिक बनाइए, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। और दोस्तों अगर इस तरीके से अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो अपना 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है, कानपुर सागर मार्केट कानपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में, 200-300 मीटर का दूरी का डिफरेंस है, आप आराम से पैदल आ सकते हैं। और दुनिया जान में कहीं दिल्ली मुंबई कलकत्ता बिहार झारखंड असम किसी भी कहीं भी राज्य के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, तो सभी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर रहने की हॉस्टल फैसिलिटी सारी सुविधा टोटल है, आपको सीखने में टोटल कंप्लीट सीख करके चले जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर मोबाइल फोन से संबंधित सारा सामान, सारा एसेसरीज, सारे पार्ट, सारे टूल्स, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, सारी चीजें मिल भी जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।